आज हम बात कर रहे हैं पीपल पार्टी के वरिष्ठ, जो यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए जाते हैं इनके पार्टी द्वारा। तो आइए जानते हैं उनसे कि शिव भक्तों के लिए और गुरु पूर्णिमा के लिए क्या कहना चाहेंगे। जी नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो भी शिव भक्त हमारे उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, देश से कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। उत्तराखंड हरिद्वार के अंदर हम उनका अभिनंदन करते हैं। दूसरा जो है, जो शासन और प्रशासन हमारे विशेष जो है मेलाधिकारी दीपक रावत जी हैं, उनके द्वारा जो सराहनीय कार्य है यहाँ पर, जो मेले की जो सही तरीके से प्रबंध किया जा रहा है, उसके लिए भी हम शासन और प्रशासन को जो है बधाई का पात्र मानते हैं, जो उन्होंने इस तरीके की अच्छी और सही व्यवस्थाएँ की हुई। तो आप और क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ पर जो मेले के लिए जो शिव भक्त आए हुए हैं, उनके लिए जो कार्य हो रहे हैं, उनके द्वारा हमारे शासन और प्रशासन के द्वारा और समाज सेवी संगठनों द्वारा, मैं उन सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो कार्य वहाँ देश के कोने कोने से जो शिव भक्त यहाँ पर आते हैं, उनके लिए जो कार्य यहाँ पर हो रहा है वो सराहनीय है, और मैं शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पीपल पार्टी के वरिष्ठ, जिनके माध्यम से यहाँ पे बहुत सराहनीय कार्य किए जाते हैं। तो आइए हम भी इन्हें शुभकामनाएँ देते हैं, और साथ ही अपने शासन प्रशासन को और गुरु पूर्णिमा और शिव भक्तों के देवभूमि उत्तराखंड में आने की हमने बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं पुनीत रोहेला, ब्यूरो जी।